मैं हूं शुभम जागरण, आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टाइप से हम मार्कशीट बना सकते हैं एमएस और एक्सेल के अंदर। तो देखिए, एक्सेल के अंदर ये मैंने कुछ सब्जेक्ट्स नेम डाले स्टूडेंट्स के, एंड उनके मैंने मार्क्स डाल दिए कि सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं। तो मार्क्स के अब हमें लगाना है टोटल क्या, और उसका जो टोटल है वो क्या हुआ है। तो अब देखिए, उस टाइप से हम लगाते हैं टोटल का अनुमान। तो यहाँ पे इक्वल्स टू सम का फॉर्मूला लगाइए, बहुत ईजी है वैसे लगाना टोटल का पता। तो ये चलिए ठीक है। तो इसके साथ ही देखिए, अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और जो टोटल है वो हमारे सामने होगा कि स्टूडेंट के कितने नंबर है। किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के कम भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से सबके नंबर्स इसमें शो हो रहे हैं। चलिए मैं अपने आप के थोड़ा नंबर बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मेरे HTML में तो 99 कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो इस टाइप से नंबर हम करते हैं इसमें। तो ये नंबर्स हो गए। अब जैसे CS, अब हम इसको परसेंटेज निकालनी है। तो PER ध्यान रखिए, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला कोई इस टाइप से। तो परसेंटेज निकालने का कुछ फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुछ फॉर्मूला होता नहीं है परसेंटेज निकालने का। लेकिन एक फॉर्मूला जो मुझे मालूम है वो इस टाइप से निकालते हैं परसेंटेज, सबको मालूम होगा कि देखिए टोटल जो हमारी है सेल है वो है F2 कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अब इससे हमें डिवाइड करना है क्या, F2 into 100 करना है, into 100। और टोटल मेरे जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट मेरे 100 नंबर का है, और टोटल मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, तो कितने हो गए 400। तो इस टाइप से हम निकालते हैं। चलिए ठीक है। तो इस टाइप से इसको मेरे को ड्रैग कर देना है जैसे मैंने टोटल में किया था। तो इस टाइप से मेरी परसेंटेज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स की, कौन क्या है, कौन फेल है, कौन पास है, किसने परसेंटेज कम बनाई, किसकी ज्यादा है। तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं एक और न्यू फॉर्मूला, इक्वल्स टू अब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ये रैंक नहीं है। अब हम लगाते हैं डिवीजन, हमें डिवीजन चाहिए। तो डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला है इस टाइप से होगा। इसके लिए हमें इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। तो कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ एल्स, कुछ इस टाइप से यूज करना होगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर, ध्यान रखिए लॉजिकल ऑपरेटर होता है इफ एल्स। ये लॉजिकल टेस्ट दिया हुआ है, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो ये तो पता नहीं कैसे दे रखा है, ये आपको बहुत कन्फ्यूज करेगा, बट मैं देता हूँ आपको सही टाइप से कि इस टाइप से आपको ये करना है। इफ लगाइए, इफ लगा के फिर देखिए, लिखिए सबसे पहले कि अपनी सेल कौन सी है, परसेंटेज वाली वो है ये G2, क्योंकि हम इसकी निकाल रहे हैं इसके सामने। तो G2 अगर बड़ा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसका मतलब है इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, G2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, तो तब मेरे पास रिजल्ट क्या है, फर्स्ट। तो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए क्या, फर्स्ट। तो ये मैंने लिख दिया है फर्स्ट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं, इसको आपको कोमा लगा देना है। चलिए ये ईपी अप्लाई करते हैं। उसके बाद में इसी के अंदर नया इफ चालू होगा, यहाँ पे इफ में ये दो बार आप ऐसे कर लीजिए। चलिए ये इफ मैंने खोल लिया है, एंड इफ इस इफ में हम लिखेंगे वही चीज कि Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45, देन हमें रिजल्ट मिले क्या, सेकंड। तो वो हमें यहाँ पे पुट करना है सेकंड। चलिए ठीक है, दो तो हो गए, दो तो हमने कर लिए। यहाँ पे फिर कोमा लगेगा। अब एक और इफ खोलते हैं, अब तीसरा इफ, एंड इफ इस इफ में हम लिखेंगे इफ J2 को फिर सिलेक्ट करना है, J2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 36, देन हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ यह है कि थर्ड। तो कोमा और फिर लिखिए TH कॉम इस डबल डॉट कॉमास में 3। चलिए ठीक है, हो गया। अब हमें एल्स फॉर्मूले में जाना है, यानी कि जिनकी इनसे भी कम है, जिनके कुछ भी नहीं आ रही, जिनकी 36 से कम आ रही है, वो अपने आप किस में एल्स फॉर्मूले में चले जाएगा। और एल्स के लिए हमको सिर्फ यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देना है FAL, क्योंकि ये आखिरी पोजिशन को काउंट करेगा इसमें एल्स में। तो ये पूरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड अब इसको ड्रैग कर दीजिए जैसे हमने टोटल और ड्रैग किया था। तो अब देखिए सब आ चुके हैं, जो फेल है वो फेल भी आ रहा है। देखिए दो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं,
तो इनका फेल वाले भी नजर आ रहे हैं कि कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है। लेकिन चलिए ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो कम है, ओनली 15 स्टूडेंट है, लेकिन कहीं कहीं भी क्या होते हैं स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें ये पता नहीं लगाना होता है 100 स्टूडेंट होते हैं, 200 स्टूडेंट होते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है उनको रैंक करना कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी रैंक पे आया है। लेकिन हमारे पास एक्सेल अवेलेबल है और उसमें रैंक का फॉर्मूला अवेलेबल है जिससे हम ईजिली काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट की रैंक, उनके नंबर के हिसाब से उनको रैंक दे सकते हैं। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस टाइप से हम एक्सेल के अंदर रैंक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्यूरीज है, तो आप इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस चैनल की नई वीडियो से अवेयर होना चाहते हो तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर ही, मेरा फेसबुक पेज की लिंक www.facebook.com/शुभम05 और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो @शुभम जांगिर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम जांगिर क्लासेस।